वेलकम बरियम डिजिटल यूनिवर्स आज का व्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर छोटू साहब दे रहे हैं पौधों को पानी और साथ में मिट्टी को खोदा जा रहा है कहता है कि आज मैं सारा जो है वो पानी दूंगा साथ में अम्मी मेरी इसको मना कर रही थी कि नहीं करो कपड़े ख़राब हो जाएंगे लेकिन बस बच्चों को शौक़ होता है नए नए आइडियाज़ वो अप्लाई करते रहते हैं इस एज में तो ये भी पानी जो है वो लगा रहा था और साथ में मिट्टी के साथ लगा हुआ था तो मॉर्निंग में ही मैंने नाश्ता कर लिया था उसके बाद जो है मैंने इसको करवाना था तो टेबल अभी सेट ही पड़ी हुई है वैसे ही नाश्ते की चीज़ें हैं और आज मैंने जो बड़े टास्क करने हैं नेक्स्ट वीडियो तक वो है कि मैंने समर्स के लिए जो गर्मियों के लिए कपड़े होते हैं वो निकालने हैं तो उसके लिए मैंने सारे जो विंटर्स की कपड़े हैं कलेक्शन है मेरे पास उनको मैंने अच्छे से जो है वो रैप करके उनकी प्रस्पेक्टिव जगह पर रखना है तो काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहा था घर में कपड़ों का यहाँ पर भी कुछ मैंने विंटर्स के जो वॉश होने वाले कपड़े हैं वो रखे हैं इनको एक दफ़ा मैं वॉश कर लूँगी यहाँ पर जो है वो जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है गर्मी आ गई है तो कपड़े जो हैं वो विंटर्स वाले अब बिल्कुल भी नहीं पहने जा रहे और ऊपर वाली कबर्स जो होती हैं हमारी जो मेन कबर्स होती हैं रूम में बेडरूम में उसकी जो ऊपर की कबर्स होती हैं वहाँ पर ही मैंने अपने और अपने बेटे के कपड़े वगैरह सारी फैमिली के रखे होते हैं और वहीं से मैं इनको जो है वो ये देखे कबर्स भी बहुत ही मैसी हो रही हैं इनको भी एक तफ़ा अच्छे से निकाल कर कपड़ों को विंटर कलेक्शन के साथ जो है वो निकाल लिया जाएगा और फिर बाद में गर्मियों के कपड़े इनमें सेट कर लिए जाएंगे उसकी प्रॉपर वीडियो के आप अपने जो है वो क्लोजेट को कैसे वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ और यहाँ पर जो हॉल की कबर्स हैं ये भी बहुत ही मैसी हो रही हैं काफ़ी देर से इनकी तरफ जो है वो मेरा ध्यान नहीं गया है कुछ रमदान की प्रप्रेशन हो रही हैं कुछ रेसिपीज़ चल रही हैं रमज़ान के लिए जो मैंने प्री ही बनाकर रखनी थी तो इस तरफ ज़्यादा जो है वो मेरा फोकस नहीं था तो काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ हुआ है इस तरह से जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई हैं इस कबर्ड की चीज़ें तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी वेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आप साथ के साथ ही चीज़ों को किया करें लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि हम लेडीज़ के काम इतने ज़्यादा होते हैं डिफरेंट टास्क करते करते जो है वो इतने ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं कि थक जाते हैं और ज़्यादा काम हो नहीं पाता तो फिर कितना भी आपकी हेल्दी हैबिट्स हों तो कहीं ना कहीं आकर जो है वो डिस्टर्ब हो ही जाती हैं किचन भी यहाँ पर काफ़ी मैसी हुआ हुआ था इसको भी मैंने क्लीन करना है हर चीज़ की प्रेप्रेशन होती है जब भी वेदर चेंज होता है जब भी विंटर्स जाती हैं समर्स आते हैं या समर जाते हैं तो विंटर्स आती हैं तो हर चीज़ अपने हिसाब से सेट कर ली जाती है हर घर का ही यही रूल होता है और मैं यहाँ पर आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रमदान रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आज कल रमदान रेसिपीज़ पर ही मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा प्यारा मुबारक महीना स्टार्ट होने वाला है और सभी के घरों में इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर बनती हैं और मैं भी बनाती हूँ और सेव करके भी रखती हूँ तो यहाँ पर आज मैंने आपके साथ दो रेसिपी शेयर करनी है फर्स्ट वाली ये दही भल्ला की रेसिपी है बहुत ही यमी बनता है अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे और इतना ईजी है कि आपने अगर कभी भी भल्ला नहीं बनाया तो आप भी फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो बहुत ही वाव चीज़ आपके पास बनने वाली है तो इस तरह से बेसन लिया है मैंने ये कप की मेजरमेंट है एक कप मैंने लिया है साथ नमक और ज़ीरा डाला है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा मैंने जो है वो इसमें लहसन का पेस्ट है ये आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है मुझे ज़रा टेस्ट अच्छा लगता है इसका तो मैं डाल रही हूँ और बस आपने बनाए होंगे माश के चना के बहुत ही जो दालों के बनते हैं बहुत डिफ़िकल्ट भी होते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिक लगता है कि कैसे अब इतना ज़्यादा तो मुझे इजी लगता है कि मैं बेसन के दही बल्ले प्रेफर करती हूँ लाहौरी दही बल्ले भी इनको कहते हैं बहुत इजी और बहुत ही क्विक बन जाते हैं सिंपली जस्ट आपने इन्हीं इन्ग्रीडियंट्स को जो है वो ड्राई बैटर में मिक्स करना है और पानी के साथ बस आपने इसको डाल इस तरह से रनी सा बना लेना है कि ज़्यादा जो है वो गाढ़ा ना हो ज़्यादा पतला ना हो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो आपके जो भले बहुत ही अच्छे बनेंगे थोड़ा सा आपने एक चुटकी इसमें मीठा सोडा डाल लेना है और फिर आपने इसको स्टे देना है वन आवर का जो है वो फ्रिज से बाहर ही आपने स्टे देना है मिक्स करने के बाद आपने पानी डालने के बाद जो है वो इसमें मीठा सोडा ऐड करना है ड्राई बैटर में मीठा सोडा आपने ऐड नहीं करना बस ये थोड़ी सी टिप है और जब आपने एक आर का आपने स्टे देना है उसके बाद जस्ट आपने इसी तरह से चम्मच के साथ जो है वो इनको डालना है तो बहुत ही अच्छे से ये फूल जाएंगे और बहुत ही क्विक सा स्टाइल है इनको बनाने का और बहुत ही यमी बनते हैं अवतार में तो ज़रूर ही हमारे घर में ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं हमारे घर में भी बहुत शौक़ से खाई जाती हैं और मुझे ऐसी क्विक रेसिपीज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है जिनमें ज़्यादा हेक्टिक रोटीन ना बने हमारी रोज़े से वैसे ऐसी हालत हुई होती है कि ज़्यादा जो है वो हैक्ट्रिक काम होते नहीं है तो किक से ऐसे मैं भी रेसिपीज़ रेडी कर लेती हूँ तो यहाँ पर ये यह बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए थे हल्का हल्का मैंने दोनों साइड से इनको फ्राई कर लिया है बाद आपने नीम गरम पानी लेना है किसी भी बॉल में ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए और जैसे ही आपके बल्ले जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो आपने इसमें डिप कर देने हैं और इसके बाद ये कुछ आलू हैं बॉयल उनकी कटिंग कर ली है मैंने कुछ बॉयल चना है और छोटे से सैलड की कटिंग की हुई है चॉप करके टमाटोज कोकम्बर और अनियंस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कुछ लोग लोबिया भी ऐड करते हैं वाइट चना की जगह ब्लैक चना भी ऐड कर सकते हैं जूविश और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से जो है वो नरम हो गए थे उनका हल्के हाथ से मैंने पानी ने छोड़ डाल लिया है और इसी तरह से आपने इनका निकालना है ताकि इनकी शेप जो है वो डिस्टर्ब ना हो इसके बाद मैंने योगर्ट लिया था अच्छे से उसको फेंट लिया था लस्सी से गाढ़ा होगा ये हल्का सा आपने पानी ऐड कर लेना है और इसके बाद इसमें आपने ऐड कर देना है इसके बाद चाट मसाला हल्का सा छिड़क लिया है थोड़ी सी इमली की चटनी और पेरी पेरी सॉस जो इमली की चटनी की तरह आता है या हॉट सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इमली आलू बखोरे की चटनी भी ऐड कर सकती हैं आप थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है और बहुत ही मज़े के लाहौरी दही भले बहुत ही यमी स्टाइल में रेडी हैं इफ़्तार में आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी मेरे पास है क्रीम चाट होम मेड क्रीम चाट बहुत ही लोग जो है वो यहाँ पर हमें शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जो बाज़ार की करीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए हमारी अच्छी नहीं होती है और बहुत ही इसमें जो है वो हैवी होती है इंग्रेडिएंट्स जो है वो जो इसकी कम्पोजिशन में बनते हैं वो हमारे जो है स्टमक को बहुत डिस्टर्ब करते हैं तो आपको पसंद भी होती है काफ़ी ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं तो इसमें आप होम जो है वो मलाई यूज़ कर लिया करें मलाई जो भी आप इसको कहें तो वो बहुत ही जो है वो लाइटर होती है एज कम्पेयर टू जो बाज़ार की हमें पैकेट वाली क्रीम मिलती है उससे तो जैसे सिंपली आपने फ्रूट्स की कटिंग कर लेनी है कुछ मैंने गाजर बॉईल कर लिया यहाँ पर और ये मेरे पास होम मेड मलाई है थोड़ा सा मैंने चाट मसाला थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लिया है ब्लैक पेपर भी ऐड कर लें अगर आपको अच्छा लगता है उसका टेस्ट और इसको बस अच्छे से आपने मिक्स करके जो वेजीज और फ्रूट्स कटिंग किए हैं कुछ वेजीज बॉईल की हैं उसके अंदर मिक्स कर देना है और अच्छा सा मिक्स देने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ मैंने डेट्स डाल दी हैं बीज निकाल कर इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स और डेट्स अवॉइड करना चाहते हैं तो एज यू विश लेकिन ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आते हैं और कुछ गार्निशिंग के लिए मैं इस पर यूज़ करूँगी रोहज़ाइया जाम शिडी अगर वो भी आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकती हैं और जस्ट अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत ही यमी और बहुत ही कुछ टाइम में हमारे पास फ्रूट चाट क्रीम चाट रशियन सैलेड टाइप जो है वो रेडी है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और जो भी हम रशियन सेलेड बाहर से ऑर्डर करते हैं इफ़ार में उससे बहुत ही अच्छी बनती है तो एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद हमारे पास वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक क्योंकि आप जो वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक ही नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो भी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके घर में इफ्तार में कौन सी रेसिपी बनती है थैंक यू अल्लाह हाफिज़